एवेंजर एंड गेम रिलीज हो रही है और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज अब निकल कर आ रही हैं, और एक पॉसिबिलिटी जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो चुकी है वो ये है कि शायद एवेंजर एंड गेम में एक नया पोस्ट क्रेडिट सीन हमें देखने को मिलेगा। हालांकि पुरानी एवेंजर एंड गेम की अगर मैं बात करूँ जो कि अप्रैल के अंदर रिलीज हुई थी, उसके अंदर कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं था। इंस्टेड दे शोड अस द ओमाज ऑफ ऑल द सिक्स एवेंजर्स, जो सिक्स एवेंजर्स थे उनके बारे में एक ओमाज दिखाया गया एंड आई वॉज प्रीटी हैप्पी अबाउट इट। बट जब मुझे पता चला कि एवेंजर एंड गेम दोबारा से रिलीज होने वाली है वो भी ग्लोबली, तो यहाँ पर मेरे को शक हुआ और शायद यहाँ पर मार्वल एक बड़ा वाला हमें सरप्राइज देने वाला है और एक ऐसा पोस्ट क्रेडिट सीन देने वाला है जो कि शायद फैंस को बहुत समय से चाहिए था। तो हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम एंड इन दिस वीडियो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कुछ पॉसिबिलिटीज और कुछ रूमर्स कि एवेंजर एंड गेम के रिलीज में पोस्ट क्रेडिट सीन क्या हो सकता है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम विद योर होस्ट सचिन निगम एंड लेट्स बिगिन द वीडियो गाइस। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो पर्सनली मैं तो चाहता हूं ये क्रेडिट सीन हो एवेंजर एंड गेम के रिलीज में। बट टू बी ऑनेस्ट मेरे को लगता नहीं ऐसा होने वाला है, बिकॉज वी नो कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर और आयरन मैन का कैरेक्टर वापस नहीं आने वाले हैं एंड दैट इज प्रीटी सैड। बट हमें इस चीज को समझकर मूव ऑन करना पड़ेगा और नई नई चीज़ों की तरफ, नई नई इशारों की तरफ हमें देखना पड़ेगा। और मार्वल स्टूडियोज शायद फ्यूचर में हमें ऐसी ऐसी चीज़ें देने वाला है जो कि हमें आयरन मैन को भूलने पर मजबूर कर देगी। पर्सनली आई विल नेवर फॉरगेट रॉबर्ट डाउनी जूनियर, बट डेफिनेटली अगर एवेंजर एंड गेम दोबारा से रिलीज हो रही है तो मार्वल के पास कुछ ना कुछ ऐसे प्लान्स तो जरूर होंगे जो कि फ्यूचर को टीज कर सकें और लोगों को उससे ज़्यादा एक्साइट कर सकें, क्योंकि एवेंजर एंड गेम से लेवल का अभी फिलहाल तो कोई मूवी बनी नहीं है मार्वल में, और मेरे को लगता भी नहीं कि उसके लेवल की मूवी 10 से 15 साल तक दोबारा से बन पाएगी। बट हाँ, डेफिनेटली एवेंजर एंड गेम के रिलीज के अंदर कोई ऐसा पोस्ट क्रेडिट सीन दिया जा सकता है जो कि मार्वल के फ्यूचर को हिंट करता हो, और वो फ्यूचर क्या हो सकता है चलिए डिस्कशन करते हैं। लगता है कि पोस्ट क्रेडिट सीन में एक ऐसी थ्योरी निकल कर आ रही है कि शायद हमें इटर्नल्स के बारे में कुछ पता चलेगा, जहां तक कि हम जानते हैं कि थानोस भी एक इटर्नल है और शायद इटर्नल मूवीज के अंदर हमें थानोस यानी जॉश ब्रोलिन का एक रोल देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें इटर्नल्स के ऊपर कोई इशारा देखने को मिले, या फिर एक छोटा सा कैमियो देखने को मिले थानोस का, यंग थानोस का, या फिर इटर्नल्स की दुनिया को दिखाया जा सके। अब हो सकता है ये चीज रिवील की जाए मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में और ना भी की जाए, बट मोस्ट प्रॉब्ली इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं कि शायद इटर्नल का टीज के अंदर दिया जाएगा। अगर वो इटर्नल का टीज नहीं दे पा रहे हैं तो एक चीज का टीज वो डेफिनेटली दे सकते हैं, वो है गैलेक्टस का। हमें पता है कि एवेंजर एंडगेम में थानोस बहुत ही बड़ा विलन था, और शायद थानोस के लेवल को मैच करने के लिए अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को एक ऐसा विलन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक है। और मुझे लगता है अब फॉक्स की डील होने के बाद में, डिज्नी और फॉक्स का मर्जर होने के बाद में, एक ऐसा विलन जो कि डेफिनेटली एवेंजर्स की अच्छे तरीके से बैंड बजा सकता है, थानोस के लेवल की बातचीत रख सकता है, वो कोई और नहीं है, वो होने वाला है गैलेक्टस। हमें पता है 2021 में या 2022 में फैंटास्टिक फोर मूवी आने वाली है, और फैंटास्टिक फोर मूवी से कनेक्ट करने के बाद में शायद ये गैलेक्टस का टीज बहुत ही अमेजिंग होगा। इस बात की गारंटी बहुत से लोगों ने दी है और मैं भी उनमें से एक हूं जो ये कहता है कि गैलेक्टस फेज 4 का बड़ा विलन होने वाला है। एंड अगर एवेंजर एंडगेम के रिलीज के अंदर हमें गैलेक्टस का पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी जस्ट अमेजिंग। ऐसा नहीं है कि मार्वल ने पहले ऐसा नहीं किया है, मार्वल ने ऐसा बहुत बार किया है। यहाँ तक कि आपको ये पता होगा कि जो फर्स्ट एवेंजर थी, जो शोरमा वाला सीन था, वो मूवी के रिलीज होने से पहले एक हफ्ते पहले उन्होंने शूट किया था और मूवी के अंदर ऐड करके उसको वर्ल्ड वाइड रिलीज कर दिया। और वो क्यों नहीं कर सकते ये काम गैलेक्टस के साथ में भी। हमें पता है कियानू रीव्स जुड़ चुके हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से, शायद वो इटर्नल के अंदर एक रोल प्ले करने वाले हैं या फिर शायद वो सिल्वर सर्फ का रोल करने वाले हैं। और अगर वो सिल्वर सर्फ का रोल करने वाले हैं दैट मींस के गैलेक्टस भी एमसीयू के अंदर आने वाला है। तो मेरी दूसरी पॉसिबिलिटी ये कहती है कि शायद एंड गेम के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें गैलेक्टस का टीज होता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूं तीसरी पॉसिबिलिटी की, तो मुझे लगता है मेरे ख्याल से यहां पर इसके चांसेस काफी ज्यादा हाई है, वो ये है कि हमें दिखाया जाएगा हल्क। हल्क का फ्यूचर एमसीयू के अंदर किस तरह से सेट होने वाला है, मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि मार्क रफलो ने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि हल्क खत्म हो चुका है, हल्क वापस आ सकता है, इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज अभी मार्केट में अवेलेबल है। For years I've been treating the Hulk like he's some kind of disease, something to get rid of. But then I start looking at him as the cure. 18 months in the gambler. I put the brains and the brawn together. And now look at me. और कॉमिक बुक इंडस्ट्री के अंदर, एमसीयू मूवीज के अंदर इस बात की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज नई नई स्टोरी के साथ दिखाई जा सकती हैं कि हल्क का कैमियो किसी और मूवी के अंदर हो। हल्क का कैमियो स्पाइडरमैन के साथ हो सकता है, यू नो इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग।
तो मेरे ख्याल से पोस्ट क्रेडिट सीन में एवेंजर एंड गेम का जो रिलीज होने वाला है उसमें हमें दिखाया जाएगा हल्क, और दिखाया जाएगा हल्क आगे क्या करने वाला है और हल्क का फ्यूचर एमसीयू में किस तरह से होने वाला है। सो दैट माइट हैपन। ये थी मेरी तीन पॉसिबिलिटी जो कि मुझे लगता है कि हाँ पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर, वो भी एवेंजर एंड गेम के रिलीज के अंदर हो सकती हैं। बट मैं चाहता हूँ आप कमेंट सेक्शन में अपनी पॉसिबिलिटीज बताओ। तो ये थी गाइस मेरी पॉसिबिलिटी और कुछ थ्योरीज के एवेंजर एंडगेम के रिलीज के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें क्या देखने को मिल सकता है। हालांकि थ्योरी सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, बट अभी मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है एवेंजर एंडगेम रिलीज करने के बाद में कितना कमाएगी और उसका पोस्ट क्रेडिट सीन क्या होगा। तो कमेंट सेक्शन में शुरू हो जाओ, आई विल रिप्लाई ऑल ऑफ यू। अगर मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ ऑन स्क्रीन में मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लो, वहाँ पे सारी की सारी बातें होती ही रहती हैं। और मैसेज भी करना होगा तो इंस्टाग्राम पे कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, और ताकि ऐसी वीडियो आप देख पाओ, लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मैं उस सचिन को मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर, कमेंट सेक्शन बता देना अगर कोई वीडियो सजेशन हो तो। बाय गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट डे।